एक और महिला साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके विचार। तो आइए बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? कांता इंसान। कहाँ के रहने वाले? सिरसा के रहने वाले। मैडम ये बताइए कि आज समाज को बाबा राम रहीम जी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, सच्चाई के राह पर चलाते हैं। ये उनके साथ बहुत गलत हुआ है जी। क्या कुछ किया उन्होंने समाज और महिलाओं के लिए? उन्होंने बहुत कुछ किया है। बेटियों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। बेटियों को बचाने की लोगों के आगे रखा है कि बेटियों को बचाया जाए। ये काम तो पहले राम रहीम जी ने शुरू किया है, सरकार ने तो बाद में शुरू किया। ये बहुत जैसे लोगों को भलाई के लिए आंखें दान करना, शरीर दान करना और बहुत से ऐसे काम की मानवता भलाई के, जीते जी खून दान करना, ऐसा तो शायद कहीं भी नहीं हो रहा जी। समाज के अगर हम बात करें कि आज आपका विश्वास कितना है तो क्या कहोगे? अगर कहा जाए तो पहले जो 100% विश्वास था तो आज 1000%। कैसी शिक्षा रही है डेरा सच्चा सौदा की? डेरा सच्चा सौदा को सौदा तो हमें सच्चाई के राह पर चलाता है। उनके उस ऐसी शिक्षा तो समाज में कहीं भी नहीं है जैसी डेरा सच्चा सौदा में है। आज वो नहीं है, उनके सत्संग नहीं हो रहे थे, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? प्रभाव लोग नशे की तरफ जा रहे हैं और जब वो थे तो कोई नशे लोग छोड़ रहे थे। एक एक सत्संग में लोग कितने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार भी, 50-50 हज़ार भी एक साथ नशा छोड़ रहे थे, जो आज लोग नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आपको लगता है कि जब वो दोबारा से समाज में होंगे, उनकी जो सत्संग है वो करेंगे, तो नशा बिल्कुल बंद होएगा? बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगा, नशे का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। आगे भी बने रहेंगे आप डेरा सच्चा सौदा के साथ? हमेशा बने रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक महिला साथी जिन्होंने बताया कि बाबा जी के ना होने से जो सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर वो है नशा। जब बाबा जी समाज में होंगे दोबारा से, सत्संग वगैरह करेंगे, तो नशा डेफिनेटली खत्म होने वाला, ये इनका कहना है। तो